बच्चों, मैं शकुंतला शर्मा, हिंदी अध्यापिका, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4। और कैसे हो बच्चों, ठीक हो ना? हाँ, अभी घर में खेल कूद के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। मैं उसी संदर्भ में आपको ये वर्णमाला पढ़ा रही हूँ, कक्षा 1 वर्णमाला हिंदी। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला, तो आज हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। ठीक है, आप स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन में आते हैं। जैसे अ, आ, ई, ई, ओ, उ, री, री से रिश, ए, आई, ओ, आउ, स्वर। अब तुम सोचोगे कि मैडम ने आ से अंगूर तो लिखा ही नहीं, अह खाली तो लिखा ही नहीं। हाँ, वो भी स्वर ही है, लेकिन अ ये होता है अनुस्वार। स्वरी है लेकिन इसको अनुस्वार कहते हैं। और अह ये होता है विसर्ग, ये विसर्ग होता है। ठीक है, ये हमारे स्वर वर्ण है, इनको विसर्ग। ए, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। तो इस तरह से हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो स्वर हुए और अंग अनुस्वार है ये, और अह विसर्ग है। ठीक है, अब ये हमारा स्वर हो गया। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? वर्णमाला, वर्ण के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमारे आएंगे व्यंजन। व्यंजन तो इसमें ये होते हैं क से लेकर क से ह तक, क वर्ग। पहला है हमारा क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड, ख, क वर्ग हो गया। च वर्ग, फिर च, छ, ज, छ, ज, ठीक है, फिर ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये हो गया त वर्ग। फिर है प वर्ग आएगा, प वर्ग, प, फ, ये क वर्ग में 5 मेंबर होते हैं, समझ लो क, ख, ग, ग, ये पंचवर्ण कहलाता है, ये 5 वर्ग, प, फ, ब, भ,
म। ठीक है, अब आएगा य, य र ल व, इसमें चार ये चार ही होते हैं, इसके लिए संबंध पूछे। फिर आता है श, श श स ह, ये हमारे व्यंजन है। व्यंजन की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये है हमारे 30। ठीक है, यहाँ पर 11 हो गए थे, ये दो अनुस्वार विसर्ग गलत थे। अब इसी में अब तुम सोचोगे मैडम ने शो से क्षत्रिय भूल गई पढ़ाना, त्र से त्रिशूल भूल गई मैडम, वो तो पढ़ाए ही नहीं मैडम ने। हाँ वो पढ़ाए, वो होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर। तो वो जैसे क्ष त्र य और श्री राम, ये चौथा भी आया, इनको कहते हैं हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं, संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन, ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब ये दो वर्ण कौन से होते हैं जिसे श बना है, तो ये श बना है क प्लस श से। ठीक है, इससे बना है। ये त्र बना है, थोड़ा सही सही ढंग से आ जाएगा, है ना। ये श तो बना है कक्षा वाला, क्षत्रिय होता है ना, जो श क आधा क, ये इसको कहते हैं हलब, आधा क अक्ष। अब है त्र, ये त्र बना है आधा त प्लस र, त्र त र त्र, और य य से जाए, ये ज्ञानी बना है आधा ज प्लस ज खल, इससे बना है। और श, ये श संयुक्त व्यंजन जो है ये बना है श आधा यह लम प्लस र से। तो इस तरह से ये हमारे संयुक्ताक्षर है, संयुक्ता शर। आया समझ में? अब ये कितने हुए संयुक्ताक्षर हमारे, 1, 2, 3, 4, ये हो गए हमारे 4। इस तरह से हिंदी में 11 स्वर अनुस्वार विसर्ग, 33 व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। तो बच्चों वर्णों के इस पूरे समूह को अ से लेकर श तक, वर्णों के इस पूरे समूह को जो अ से शुरू होता है और श तक आता है, इसको क्या कहते हैं, वर्णमाला, वर्णों की माला। वर्णों के पूरे समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। चलो हम एक बार फिर से दोहराते हैं वर्णमाला। इस वर्णमाला को तुम ये लो, हिंदी वर्णमाला, साथ में मेरे साथ बोलना, ठीक है। और इस वर्णमाला का घर पर 5 बार उच्चारण करके 5 बार लिखना, शुद्ध उच्चारण करके 5 बार लिखना है। अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू,
ऊ से ऊन, री से ऋषि, एस एडी, आई से आना, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग अंगूर, अह खाली। ये रहा अह। यहाँ क, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय, घ से घड़ी, डखल, च से चरखा, झ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, झखल, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोलक, णखल, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक और वकील भी होता है, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी और श्र, श से श्री, श्रीमान, श्रीराम। ये रहा श्र। तो ये पूरी वर्णमाला आप लोगों को घर पर शुद्ध उच्चारण के साथ बोलनी है और बोल करके 5 बार लिखनी है, और हो सके तो तुम इन इस वर्णमाला की सहायता से बिना मात्रा वाले 10-15 शब्द बनाना, 2 अक्षरों के शब्द बनाना, शब्द निर्माण। जैसे मान लो लिया घ, घ कहाँ है इसमें, घ, घ र, घर, र ले लो इधर से, ये रहा, तो घ र शुद्ध शब्द बनाना है, सार्थक शब्द। यूं नहीं उल्टा घ ड ले लिया, ख ग ले लिया, नहीं। हाँ खग है, खग यानी पक्षी, ख ग खग यानी पक्षी होता है। तो जिनका जो मीनिंगफुल हो, सार्थक हो, वो शब्द बनाना, जितने बना सकते हो इस वर्णमाला की सहायता से बिना मात्रा वाले, वो शब्द तुम्हें बनाना है। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला, ठीक है। इसको अच्छे से याद भी करना है, अच्छे से याद करना है। अब हम आते हैं 12 खड़ी पर, और जो मैंने वर्कशीट दी थी उसमें वर्णमाला लिखी है, उस वर्णमाला को और उसमें उसको अपने घर की नोटबुक में करना है, उसी में से देख के करना है। वर्कशीट में है ये पूरी वर्ण, जो वर्कशीट में है वही पढ़ाया जा रहा है लेसन प्लान में। अब हम पढ़ेंगे 12 खड़ी। बाहर खड़ी नहीं, 12 खड़ी, ओके। इसमें 12 वर्ण होंगे जिनमें मात्राएं लगेगी, स्वरों की मात्राएं लगेगी। बाहर खड़ी नहीं पढ़ना इसको, बारह खड़ी, ये मात्राएं होती है, ठीक है। इसमें क्या तुम्हें मालूम है बच्चों कि प्रत्येक स्वर की, स्वर कौन से, अ से लेकर अ खाली तक, अ आ ई ई, प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों को बोलने में हमें अन्य वर्णों की मदद की जरूरत नहीं होती, स्वरों को बोलने में अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों को बोलने में स्वर की मदद लेनी पड़ती है, यानी स्वरों की मात्राएं होती है। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं और बिना स्वर के व्यंजन नहीं बनता है और ना ही शब्द बनता है। शब्द बनाते समय व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण की मात्रा लगाई जाती है। स्वर वर्णों की इन मात्राओं को तुम यहां ध्यान से देखना,
और फिर वो मात्राएं लगाना है, तो मैं इसे बारह खड़ी कहते हैं। जो स्वर वर्णों की मात्राएं व्यंजन में लगाई जाती है उसे ही बारह खड़ी कहते हैं। जैसे जैसे क का की कु कु के कई को काउ कं कह। ये कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ये कितने हो गए? बारह। ये बारह बारह, तो ये बारह खड़ी है। अब यहाँ पर ये क है, ये क से इसको, अब तुम बोलोगे क में कहाँ, क तो व्यंजन है, इसमें स्वर कहाँ है मैडम? इसमें स्वर है। क बराबर ये इसमें होता है आधा क प्लस क अ अ अ स्वर जुड़ा हुआ है, क अ आधा क अ मिलके क बना है, क ख ऐसे। अब ये हमारा क हो गया। अब है का, तो इस का में जैसे का आधा वही आधा क प्लस आ का आ आ, तो ये आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, आ की मात्रा डंडा। इसी तरह से ये हो गया हमारा की, ये की में वही क प्लस ई से इमली, तो ई की मात्रा होती है इधर से, ये जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया। अब है की, की बनी, ये इधर से, ठीक है। अब है कु की मात्रा, वही का आधा इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, उनकी मात्रा होती है एस, ठीक है। कु क प्लस क प्लस ए की मात्रा ऐसे एड वाले, ये होती है एस कै क, क में जुड़ी हुई है आयनक वाली मात्रा, ठीक है। यहां तक हो गया वहां के कै। अब है को, मैं ओ की मात्रा, ओ की मात्रा होती है ये कौ, ये औ की मात्रा है। अब ये हो गया कम कह। अब क में वही अनुस्वार जुड़ा हुआ है, क प्लस अनुस्वार जुड़ा हुआ है, ठीक है, अनुस्वार। अब कह इसमें विसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अब इसको, ये हमारी बारह खड़ी है। मैंने वर्कशीट में कुछ वर्ण दे रखे हैं, उन वर्णों में तुम यही मात्राएं लगाओगे, वर्कशीट में दे रखी है मैंने, ठीक है। वो दूसरा प्रश्न, हाँ वो काम करना। अब उसके बाद है हमारा शब्द निर्माण। शब्द निर्माण
अब हमारा प्रसंग है शब्द निर्वाह। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वर्णमाला और ये मात्रा वाले, मैं नीचे दे रही हूँ प्रश्न, हमारा होमवर्क है, वर्कशीट में भी दिया है ये प्रश्न मैंने। तो हमारे होमवर्क के प्रश्न थे आज, पहला तो था वर्णमाला याद करो, सही उच्चारण करो और पांच बार लिखो। प्रश्न दूसरा है हमारा 12 खड़ी को अच्छे से ध्यान से समझो, पढ़ो, सही उच्चारण करो और जो वर्कशीट में दे रखा है अभ्यास कार्य वो पूरा करो। और प्रश्न तीसरा है हमारा नीचे दिए गए ये भी मैंने वर्कशीट में दे रखा है, नीचे दिए गए बिना मात्रा वाले शब्द वर्णों से नीचे दिए गए वर्णों से बिना मात्रा वाले दो दो शब्द बना, दो दो सार्थक शब्द बना। ठीक है, जैसे मैंने दिया अभी जैसे घ दिया, जैसे घ से घर बन जाएगा बिना मात्रा वाला, घन बन जाएगा। इसी तरह तुम्हें च, च से दो शब्द बनाओ बिना मात्रा वाले, प, ज, द, इतने तुम अगर और बना सकते हो तो बनाओ। ये सब मैंने लेसन प्लान वर्कशीट में दिया है, वो पूरा काम तुम अपनी नोटबुक में करके दिखाना। ठीक है, मुझे आशा है तुम्हें समझ में आया होगा। घर पे मन लगा के पढ़ाई करना और घर में सुरक्षित रहना। धन्यवाद। जय हिंद।